थोड़े से नॉन स्पाइसी भी ले रहा हूँ मैं। बाबा लोग का कहना होता था ये एक पैसे पे 64 खस्ते बेचे हो। एक पैसे पे 64 खस्ते। ये आ गए भाई गर्मा गर्म खस्ते। छोले कुलचे होते हैं ना उसकी ग्रेवी है, मतलब मटरा की ग्रेवी है, मसाले वाले आलू है और ये एक छोटा सा नींबू दिया है। साउथ इंडियन वड़ा मिल रहा है सेम उसी ग्रेवी के साथ। मेरे हिसाब से तो लखनऊ नहीं मिलेगा। अन मस्का और गुड़ वाली चाय भी है। ये है भाई हमारा गर्मा गर्म क्रीम रोल। तो नमस्ते भैया, क्या हाल है? एकदम बढ़िया, आप बताइए। भाई मैंने इतना नाम सुना ना आपका, सीरियसली कह रहा हूँ मैं कि मैं दिल्ली से हूँ और लोग हमारे को रिकमेंड कर रहे हैं कि खस्ते खाने जाओ, तो भैया रतिलाल के खाने जाओ, दो चार जगह और हम गए हैं। बिल्कुल। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी पैकिंग करके रखे हुए हैं कुछ, मतलब कि रश रहता है आप लोग के आशीर्वाद से, तो इस वजह से ये पैकिंग पहले करनी पड़ती है कि जैसे कि लोगों को वेट ना करनी पड़े। एक बार दिखाना जरा क्या क्या एक्चुअली होता है, दिखाओगे? छोले अपने पास ये मटर रहती है। अच्छा मटर, ये वो छोले कुलचे वाले दिल्ली के वो वाले मटर है? मटर रहती है। अच्छा। और ये एक स्पाइसी आलू होता है अपना जो कि लोगों को बहुत पसंद है और जो अपनी यूएसपी है। मैं देख रहा हूँ मतलब यहाँ के लोग आलू, कई जगह ऐसी है खस्ते की जहाँ पे सिर्फ आलू मिलता है। जहाँ पे सिर्फ आलू मिलता है। ये मटर आलू और ये कॉम्बिनेशन यही से स्टार्ट हुआ। ये दोनों अलग अलग आलू है? जी जी, ये दोनों अलग अलग आलू है। ये नॉन स्पाइसी है। अच्छा, ये एक नॉन स्पाइसी है, एक विद स्पाइसी है। और ये देख लो भाई साहब गर्मा गर्म खस्ते पड़े हुए हैं। और ये यूनिकनेस जो कि वड़ा, साउथ इंडियन वड़ा को खाया जाता है भाई साहब ये यहाँ पे मटर आलू के साथ। साउथ इंडिया में तो इसे सांभर के साथ खाया जाता है। अच्छा। बट यहाँ पे इसका कंसेप्ट एकदम चेंज है। एक प्लेट लगाना जरा मेरे, एकदम बढ़िया आराम से। और नॉन स्पाइसी आलू लगाना भैया, बहुत आलू खा लिए। कोई नहीं, आप इसे टेस्ट करके देखो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डाल दो। इसमें मिर्च की बिल्कुल भी तेजी नहीं है, इसमें मसाले की तेजी। लगाओ लगाओ सर, देखो भाई सब कैसे लगा रही है। सबसे पहले मटर आएगा भाई बढ़िया सा, उसके बाद ये देखो ये स्पाइसी वाले आलू आए थोड़े से, ये थोड़े से नॉन स्पाइसी भी ले रहा हूँ मैं। और साथ में आ गया भाई ये सैलड, प्याज आ गया भाई लच्छे वाला प्याज, नींबू और हरी मिर्ची एंड दो खस्ते। एक खस्ता कितने का आता है? सिंगल 24 का है। और डबल 45 का। अपने पास चटनी भी होती है। अच्छा। जिन्हें पसंद होती है वो लेते हैं। तो एक बात बताना कि ये वैसे शॉप कितनी पुरानी है? सर ये 1937 से तो ऑन पेपर है, अब उससे पहले से बाबा लोग चला रहे थे उस टाइम पे पेपर। तो जब ये 1937 में स्टार्ट किया था तो कितने का मिलता था खस्ता? सर बाबा लोग का कहना होता था ये एक पैसे पे 64 खस्ते बेचे हैं उन्होंने। एक पैसे पे 64 खस्ते? भाई मैं तो उसको डिवाइड भी नहीं कर सकता आज के टाइम पे कि एक खस्ता कितने का, एक खस्ता कितने का डिवाइड भी नहीं कर सकता एक्चुअली में। और भाई आज मतलब कि ऑलमोस्ट 90 इयर्स होने वाले हैं। राइट, मतलब आज मैं फोर्थ जनरेशन हूँ मैं खुद। और ना ही सर बेचने के लिए जनरेशन हो गई है इतनी, बट जो खाने वाले हैं हमारे प्यारे लोग वो भी जनरेशन बाय जनरेशन बाय जनरेशन आ रहे हैं। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। जी जी। खस्ता लग चुका है, टेबल पर रखते हैं और करवाते हैं आपको बढ़िया से खस्ते की टेस्टिंग। तो भैया स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। सबसे पहले नींबू का लेंगे स्लाइस बढ़िया सा, ठीक है जी। और इसको बढ़िया से नींबू निचोड़ेंगे पहले। ये देखो थोड़ी सी खटास चाहिए भाई। ये देखो ये आ गया खस्ता, ये प्रेस किया, अंदर से सॉफ्ट है, बाहर से अब धीरे धीरे क्रिस्पीपन जो है वो जा रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ पड़ा हुआ था। तो ये लगाया भाई एक बाइट बढ़िया सा, स्पाइसी आलू के साथ, याद रखना स्पाइसी आलू के साथ खाना है, क्योंकि लखनऊ के अंदर ऐसी बहुत सारी प्लेसेस है जहाँ पे लोग आलू के साथ ही सिर्फ खस्ते खाते हैं। तो करें टेस्ट। ओहो भाई स्पाइसी कहने के लिए इतने स्पाइसी नहीं है, बट आपको यहाँ पे आके ना ट्राई करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट खस्तास इन लखनऊ, मज़ा आ जाएगा। तो भाई ये देख सकते हो भाई साहब आप दुर्गा खस्ते पे आ चुके हैं भाई, और कहते हैं कि लखनऊ के द मोस्ट पॉपुलर एंड द टेस्टीएस्ट खस्ते मिलते हैं दुर्गा पे। यहाँ आता भाई दुर्गा खस्ता देख सकते हो भाई साहब, एकदम बढ़िया मज़ेदार दबा के। अच्छा ये भी रखते हैं अपने पेटी के अंदर ही है, ये देखो। ओहो गर्मा गर्म रखे जाते हैं क्या इस पर? पूड़ी है ये, तो पूड़ी है ना, तो इसे क्या कहते हैं, कचौड़ी कहते हैं पूड़ी कहते हैं? पूड़ी बोलते हैं। तो देखो भाई साहब दो दो खस्ते दो जगह देना, एक खस्ता एक मसालेदार एकदम बढ़िया से, एक खस्ता देना पूड़ी हम लेंगे फिर बाद में। ये देखो भाई साहब ये आ गए भाई गर्मा गर्म दुर्गा खस्ते,
एकदम बढ़िया बढ़िया। और ये वो खस्ते हैं जिसको खाने के लिए सुबह 5 बजे ना भाई, 4 बजे अब्बास भाई बता रहे हैं 4 बजे लाइन लग जाती है इसको खाने के लिए लखनऊ के अंदर। और इससे बढ़िया टेस्टीस्ट खस्ते आपको और पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलेंगे। क्या बात है भाई साहब। चाचा कितने साल हो गए? 80-85 साल। क्या बात है भाई साहब। और ये मैं पहली बार खा रहा हूँ अपने 4th-5th ट्रिप में। तो एक काम करते हैं भाई, दिखाते हैं आपको भाई इसके साथ क्या क्या मिलता है, कैसे लगाते हैं प्लेट और फिर टेस्ट भी करेंगे। तो ये देखो भाई साहब, कुछ लोग खा रहे हैं बढ़िया से खस्ते, दबा के खस्ते खा रहे हैं। चाचा कैसा, बढ़िया टेस्ट? कितने टाइम से आ रहे हो आप? 10 साल तो हो ही गया। 10 साल हो गए। चाचा आपको कितना टाइम हो गया? अच्छा, अरे वाह। तो मतलब आपको लगता है कि मतलब सबसे बढ़िया खस्ते मिलते हैं? क्या बात है भाई, सब बढ़िया से दबा के खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह का मज़ेदार। और मैं देखूंगा ना, मैं दिखाऊंगा आपको कि पीछे देखो पूड़ियाँ बन रही है एकदम गर्मा गर्म, और सब बढ़िया लगाया जा रहा है। यहाँ पे भटूरे भी मिलते हैं, पूड़ियाँ भी मिलती है, छोले चावल सब कुछ मिल रहा है। सब ये लगाई जा रही है खस्ते के लिए, प्लेटें लगाई जा रही है, ये पत्ते लगाए जा रहे हैं, ये पैक किए जा रहे हैं, ये सब्जियाँ पैक हो रही है ऐसे देखो। वाह भाई वाह, सब्जियों को पैक किया जा रहा है। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ना ग्रेवी आइटम, ये है मटरा, मटरा है, और ऊपर एकदम मसाले वाले आलू है। बस हम वेट कर रहे हैं अपने खस्ते की, ताकि फटाफट लें और आपको भी करवाएं टेस्ट गर्मा गर्म वीडियो के माध्यम से। देखो भाई साहब, पूड़ियाँ भी आ चुकी है एकदम बढ़िया से। सर सुबह कितने बजे शॉप खुलता है? 4 बजे खुलता है। 4 बजे और कितने बजे तक रहेगा? 3 से 4 बजे तक खस्ता मिलेगा। बढ़िया भाई, ये देखो भाई मैं तो दीवाना हो गया भाई। अभी देखो खस्ता लगाने की तैयारी शुरू हो रही है फटाफट, क्योंकि आने वाला खस्ता। भाई साहब ये आ गए भाई गर्मा गर्म खस्ते एकदम बढ़िया से। और अब देखो भाई साहब पैकिंग धड़ाधड़ शुरू हो चुकी है, पैकिंग बढ़िया से। और ये धड़ाधड़ आप देख रहे हो ना, अब ये बस कुछ ही मिनटों की कहानी है ये, और ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे। देख लो भाई साहब पैकिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी सबको टोकन बांट दिया गया था। और टोकन से ही मिलता ना ये? टोकन से ही मिलता है भाई, आपको पहले टोकन लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको मिलेगा खस्ते खाने के लिए, दुर्गा खस्ते। वाह देख रहे हो धड़ाधड़ स्पीड देखो। क्या बात है भाई साहब, 4 खस्ते 5 खस्ते पता नहीं क्या क्या जा रहा है। देखो भाई आलू भी है इसके अंदर, वही मटरा वाली ग्रेवी है ना, मटरा वाली ग्रेवी। हाँ और ऊपर ये बड़े, तो बड़ों के साथ भी सेम चीज़ है, सेम अपने आप में अनोखा कॉम्बो है। हाँ मतलब बड़ा मिल रहा है मटरा के साथ, साउथ इंडियन बड़ा। क्या बात है, अच्छा करारा हो जाएगा, क्रस्ट मिल जाएगा, मतलब एकदम क्रंच आ जाएगा। हाँ तो भैया जी खस्ते आ चुके हैं हमारे पास, दुर्गा जी के खस्ते, जिसको खाने के लिए सुबह 4 बजे लाइन लग जाती है। अब ये देखो भाई साहब दिया क्या है, मैंने बताया जैसे जैसे जो दिल्ली में छोले कुलचे होते हैं ना, उसकी ग्रेवी है, मतलब मटरा की ग्रेवी है, मसाले वाले आलू है, और ये एक छोटा सा नींबू दिया है। और नींबू दिया इसलिए है क्योंकि इसको निचोड़ा जाए बढ़िया से, मतलब जैसे दुनिया निचोड़ती है तुम्हारे को वैसे तुम नींबू निचोड़ो, सारा गुस्सा उस पर निकालो। तो ये देखो भाई साहब क्रंची खस्ते एकदम क्रंची, ये देख रहे हो सुपर क्रिस्पी, और आपके सामने एकदम गर्मा गर्म बनाए भी हैं। तो इसको करते हैं भाई एकदम बढ़िया सी एक बाइट लेते हैं, आलू के साथ थोड़ा सा मटरा की ग्रेवी, एंड हेयर इज माई बाइट। ये लो भाई, वाह कुछ अलग लगा करण भाई। तो देखो अब तक जहाँ जहाँ पर भी खाए थे ना हमने कानपुर में, वो छोले देते हैं, छोले छोले आलू की सब्जी ये देते हैं, लेकिन ये पहली बार मैंने देखा है जो कि मटरा की ग्रेवी दे रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने जो भी खस्ते खाए हैं वो सिर्फ सूखे आलू देते हैं, है ना। तो ये एक एडिशन है। और क्या कॉस्ट क्या थी इसकी एक प्लेट की? 44 रुपये के 2 भाई। क्वालिटी के हिसाब से क्वालिटी इज गुड, टेस्ट भीड़ बता रही है भैया कैसा टेस्ट है। और ये देखो भाई पहली बार आपको दिखेगा वड़ा,
मतलब साउथ इंडियन वड़ा मिल रहा है सेम उसी ग्रेवी के साथ और उसी छोले के साथ आलू के साथ। ये क्रिस्पी वाला है और ये एकदम क्रिस्पी वाला दोबारा करके दिए एकदम क्रिस्प कि भैया आप इसको ट्राई करो एकदम क्रिस्प वाला। तो मैं हल्का सा टुकड़ा ले लूँ तो बाद में प्रवजोत बोलेगा। ले लो एक हल्का सा लेते हैं ग्रेवी के साथ। अरे वाह भैया अंकल जी खड़े हैं। अंकल जी आप भी खस्ता खाने आए हो? पैक करा के ले जाओ। अच्छा पैक करा के ले जाओगे। कितने टाइम से खा रहे हो आप यहाँ पे? बहुत समय फिर भी अंदाजा कम से कम जो है 40 साल तो हो गए। 40 साल हो गए। 70 उम्र की तो एज हो गई है। मतलब आप ये बताओ कि आपको मतलब वाकई में कई लोग कहते हैं कि भैया इससे बढ़िया खस्ते नहीं मिलते लखनऊ में, वाकई सच है बात? मेरे हिसाब से तो लखनऊ में तो नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मतलब कि लखनऊ अगर कोई आ रहा है अभी जैसे आप यहाँ खड़े? हाँ जी। यहाँ पर अगर संडे आ जाए संडे को आपको खड़े होने कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। भला भाई 40 साल से आ रहे हैं अंकल जी, अब आप खुद सोचो भैया कि टेस्ट कैसा होगा जो कि रिपीटेड कस्टमर आ रहा है। भैया काम करते भाई हमने खा लिए खस्ते एकदम मज़ेदार बढ़िया से, सारे नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत कुछ खाना है लखनऊ में आके, तो लेकर चलता हूँ आपको एक और जगह पे मज़ेदार वाली। तो भैया अगली जगह पे आ चुके हैं, कहाँ पे आए बस भाई? नुक्कड़ कैफे। नुक्कड़ कैफे के ऊपर चाय पीने। भाई कहते हैं यार लखनऊ में मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं लेकिन आज शर्मा जी ने दिल तोड़ दिया, शर्मा जी ने वीडियो नहीं बनाने दिया यार, तो इसीलिए हम आपको लेकर आए हैं। उनसे बेहतर चाय मिलती है यहाँ पे? भाई यहाँ पे चाय मिलती है और वहाँ पे स्पेस है ताकि आप सोशलाइज कर सको एक दूसरे से, उससे बेटर प्लेस आपको नहीं मिलेगी सोशलाइज करने के लिए। सोशलाइज आदमी आता है गप्पे लड़ाता है, एक ऑफिस वाला एनवायरनमेंट, एक माहौल बहुत बढ़िया माहौल है शर्मा जी पे एक्चुअली पे। जो मैं जब भी लखनऊ आता हूँ ना तो सबसे पहला नाश्ता मेरा चाय का वहीं होता है बन मस्के का, लेकिन आज आपको एक नई जगह लेकर आया है नुक्कड़ कैफे, जहाँ पे खास बात पता ही है, एक तो यहाँ पे मैगी चाय ये सब मिलेगा, मट्ठा मिलेगा एकदम बढ़िया सा, लेकिन इनके पास एक क्रीम रोल है। आपने क्रीम रोल हमेशा देखे होंगे वो बक्से में पड़े रहते हैं ठंडे होते एकदम बढ़िया, लेकिन जो ये क्रीम रोल का जो आउटर होता है ना जो क्रंच आपको आज सुनाई देगा जब खाएंगे, क्योंकि एकदम गर्म होगा और फ्रेश क्रीम फिल करके आपको देंगे और साथ में इनकी कुल्हड़ वाली चाय। ये देखिए भाई साहब मैं जैसे बात कर रहा था भाई इनके, आपने हर जगह नाम सुना होगा क्रीम रोल मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पता क्या मिलता है? यहाँ मिलता है गर्मा गर्म क्रीम रोल। जी हाँ वो भी एकदम फिल्ड करेंगे आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच, क्रीम डालेंगे बढ़िया सी और उसके बाद हम आपको चाय के साथ टेस्ट करके बताएंगे। ये गर्मा गर्म क्रीम रोल एक्चुअली में ये रोल है और अभी इसके अंदर डाली जाएगी क्रीम। देखो भाई साहब ये डाली जा रही है फ्रेश क्रीम। भाई प्रभजोत भाई मुझे एक बात बता है कि नहीं, वो भी गर्मा गर्म और उसके अंदर फ्रेश क्रीम ठंडी, कॉम्बिनेशन और साथ में क्रीम रोल ठंडा ही ठंडा खिलाते हैं। और साथ में इसके हम क्या खाने वाले तेरे को पता है? बन मस्का और गुड़ वाली चाय भी है, मतलब चाय में भी गुड़ वाली चाय, बहुत बढ़िया एकदम फुली लोडेड। मतलब आप देख सकते हो गाइस की कितने बढ़िया तरीके से क्रीम जो है वो फिल की जा रही है, बचपन की यादें हैं एक्चुअली, क्रीम रोल बचपन में खाते थे लेकिन आज गर्मा गर्म क्रीम रोल खाने को मिलेगा, इसका टेस्ट अलग ही आने वाला है। लीजिए जनाब दूसरा भी फिल कर दिया है बढ़िया से परफेक्ट। एक काम करते हैं भाई सारे के सारे फिल करवा लेते हैं और फिर सीधा चलते हैं टेस्ट पर और आपको गर्मा गर्म क्रीम रोल टेस्ट करवाते हैं। ये सामान सारा का सारा आ चुका है, देखते हो भाई गर्मा गर्म बिस्किट्स आ गए एकदम बढ़िया से और ये आ गया भाई हमारा बन मक्खन। ओए होए भाई साहब अमूल बटर लगा के बढ़िया से, ये मीठे बन होते हैं उसके अंदर अमूल बटर लगाते हैं एकदम बढ़िया से सेकते हैं, गुड़ वाली चाय एंड दिस इज शो स्टॉपर एक्चुअली में। ये है भाई हमारा गर्मा गर्म क्रीम रोल एक्चुअली में, क्या बात है इसका तो मैं लास्ट में खाऊंगा, सबसे पहले ज़रा बन मक्खन को लेते हैं और चाय में एक डुबकी लगवा के। ओहो क्या बात है भाई मज़ा आने वाला, सीरियसली लखनऊ की पहली चाय है हमारी। ओहो भाई ज़बरदस्त चाय है सीरियसली कह रहा हूँ मैं, अगर आपको भी नाश्ता करना है ना तो नुक्कड़ कैफे आ जाओ, मतलब ये समझ लो यहाँ तक अभी तक फूड ब्लॉगर पहुँचे नहीं हैं और ज़्यादा भीड़ लगती है तो एकदम नेचुरल जो भीड़ होती है ना वो लगती है, मज़ेदार भाई। और ये देखो भाई साहब एक बिस्किट और ये भी एक्चुअली में उसी अवन में पड़ा होता है जिस अवन के अंदर इनके रोल पड़े होते हैं। बोल गया लाजवाब भाई। अब ये देखो भाई
अब ये खाने के लिए तो आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा, तो करते भाई इसकी ट्राई। ओहो, तो भैया मैंने कर लिया भाई बढ़िया सा नाश्ता यहाँ पे। एक काम करते हैं भाई, अब हम चलते हैं भाई कहीं और आपको दिखाएंगे और बढ़िया बढ़िया वीडियो।